यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज है फ्राइडे, आई जस्ट टुक अ शावर और अभी मैं जाऊँगी नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ेंगे, आज फ्राइडे है तो आज पकेगी बिरयानी, तो बस नमाज पढ़ के बिरयानी बनाएंगे। कमरा डीप क्लीन हो चुका है, पूरे कमरे के पीछे सफाई हो चुकी है, घर की सफाई हो चुकी है, अब बस नमाज पढ़ना रह गया है और रात का खाना बनाना रह गया है। रात में बिरयानी बनने वाली है तो वो मैं बनाऊँगी आज। तो बिरयानी की तो खैर रेसिपी इतनी है, कोई खास है नहीं, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है बिरयानी की, तो बिरयानी बनाते हुए दिखाऊंगी। आज वगास भी घर में, फ्राइडे को वगास घर में होते हैं तो वो भी जरूर आएंगे व्लॉग में आज। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। बहुत दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग ना कंसिस्टेंसी आती ही नहीं है। सोचती हूँ अब मैं लास्ट में बनाऊंगी फिर मेरा व्लॉग रह जाता है। तो बस आज के व्लॉग में मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैं कंसिस्टेंसी से व्लॉग बनाऊंगी, अब बनाती रहूंगी, क्योंकि जब भी बोलती तो बनता नहीं है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब हो गया है मगरिब की अजान का टाइम और अब बनना शुरू होगी मेरी बिरयानी। ओके जी, तो मैंने नमाज पढ़ी है, अब हम जाएंगे बिरयानी बनाने के लिए और वकास आ चुके हैं और वापस जाने के लिए दोबारा तैयारी में बैठे हुए हैं। आज आपकी छुट्टी, आज आप कहीं नहीं जा सकते। मैं जा रहा हूँ, टाइम दे चुका हूँ मैं किसी को। हर वक्त कहीं ना कहीं जाने की लगी रहती है, बस जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन कहीं नहीं जाते। लेकिन मैं जा रहा हूँ, मुझे आज जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो मेरे ज्यादा काम होते हैं। आज आप मेरे साथ बिरयानी बनाने वाले थे। हाँ, बनाएंगे इंशाल्लाह। जब वापस आएंगे ना तो बिरयानी पक चुकी होगी, सिर्फ खाएंगे इंशाल्लाह, ये बोलो। लेकिन बनाएंगे भी इंशाल्लाह। बनाऊंगी मैं, बनाएंगे नहीं, सिर्फ खाना भी एक काम होता है। खाना काम नहीं होता क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना कोई काम नहीं होता। और अब मैं जा रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। मैंने इनको बोला कि मैं बिरयानी बनाऊंगी, आप रिकॉर्डिंग कर दिएगा, आज आपकी छुट्टी है, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ये आते ही फिर से वापस जाने की बातें कर रहे हैं। सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। थोड़ी सी इंसान ना हेल्प नहीं कर सकता मेरी वीडियो बनाने के अंदर। कोई बात नहीं, हम वीडियो भी खुद ही बना लेंगे, बिरयानी भी खुद ही बना लेंगे और खा भी लेंगे। आज इनको बिरयानी खिलाएंगे भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, बोलेंगे खाना भी एक काम होता है जी। तो बिरयानी पकाने में आ गई हूँ, प्याज यहाँ पे कटिंग कर ली है, चिकन यहाँ पे मैंने वॉश करके रख ली है, चावल भिगो लिए हैं और ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची लीमू कटिंग कर लिया है, ये धनिया पुदीना और ऊपर से डालने वाली हरी मिर्चें, बिरयानी मसाले का डब्बा और दही, दही अभी मुझे बाउल में निकालना है। आजकल कराची में जो है ये सफ़ेद अंगूर वाली प्याज आई है और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही है, लाल प्याज भी अच्छी लगती है मुझे तो, और ये पानी वाली प्याज भी है तो पता नहीं ये कितनी देर में फ्राई होगी। लेट्स सी। ये मैंने पूरी एक किलो चिकन के अंदर थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च लगा के और थोड़ा सा बटर मिल्क डाल के इसको मैरिनेट कर लिया है। अब जब प्याज हो जाएगी तो फिर हम डालेंगे अपनी चिकन। प्याज मैंने हाफ निकाल ली है और मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए और दम पर डालने के लिए, और आधी प्याज के अंदर मैंने चिकन डाल दी थी, लहसुन अदरक डाल दिया था, उनको अच्छे से भून लिया, उसके बाद टमाटर डाल दिए और हरी मिर्चें और बिरयानी मसाले का पैकेट जो है वो डाल दिया है। मैंने जल्दी जल्दी इसमें डाल दिया क्योंकि अगर गैस चली जाती तो फिर मेरा काम रुक जाता, इसलिए मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। यहाँ पर मैंने दही के अंदर आधा जो मेरा बिरयानी मसाले का पैकेट था, आधा जो पैकेट है वो मैंने इसके अंदर डाला है और आधी प्याज यहाँ पर रखी हुई है ऊपर से डालने के लिए। बिरयानी का कोरमा जो है वो रेडी हो चुका है, यम्मी यम्मी, और यहाँ पे मेरे चावल भी होने वाले हैं, बस थोड़े से रह गए। बहुत ठंड हो रही है, लग रहा बाहर, मुझे लग रहा है बिरयानी बन गई। जी बिल्कुल बन गई, मैंने कहा था आपके आने तक बन जाएगी, बस जल्दी से ले आओ, भूख लग रही है। सलाद बना रही हूँ, अभी दम लगेगा, बना के किया था, अभी दम लगेगा, है ना? मैंने सोचा मैं बिरयानी बना ही लूं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा आपने। बोटियां ज्यादा तो नहीं कर रहा हूं मैं, सही है, दर्द इस तरफ भी डाले, इस तरफ बस, अब रुकिएगा दोबारा चावल डालूंगी। डाल दो बस सर, मसाला उसमें कितना बचा है, एक मिनट छोड़े, बस 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 बस, बहुत है, मैं बोलूँ बहुत है।
माशाल्लाह मेरी बिरयानी रेडी हो गई। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैंने खाना खा लिया है। बिरयानी बहुत ही ज्यादा मजेदार बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब हम जा रहे हैं बाहर, कुछ काम है मुझे। मम्मा लोग तो गए हुए हैं टूर पे, मगर मम्मा मुझे देके गई थी अपने घर की चाबियाँ, तो वहां से मुझे कुछ चीजें लेकर आनी है मम्मा के घर से। तो बस चले मम्मा के घर जाती हूँ और वहां से सामान लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करूंगी, जो करूंगी वो दिखा दूंगी। तो चले चलते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए मोमोज खाने के लिए। मेरा मोमोज खाने का बहुत दिल कर रहा था और वहाँ पे कॉर्न डॉग्स बन रहे हैं, वो कॉर्न डॉग्स की प्रिपरेशन हो रही है और यहाँ पे मोमोज बन रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अब हम ये पी रहे हैं मटका, मटके का जूस है कोई सा, तो हमारे लिए बना रहे हैं। करीब करके बना दे थोड़ा, मैं वीडियो बना रही हूँ, करीब कर दो। बर्फ ज्यादा नहीं डालना, बर्फ कम डालना, बहुत ज्यादा नहीं डालना। दा दुबई से आप ये मटका पी लीजिए। दा दुबई, हम ये इंपोर्ट हुआ है दुबई से। चलो पिए। हाँ जी, तो मैं आ गई थी मम्मा के घर पे। पहले हम चले गए थे मोमोज खाने के लिए। मेरा बहुत दिल कर रहा था मोमोज खाने का और बहुत दो तीन दिन से दिल कर रहा था, तो आज मैंने मकास को बोला कि वो मुझे खिला दें, तो वो हम खा के अब आ गए मम्मा के घर पे। और मम्मा के घर पे कोई भी नहीं, इतना बुरा लग रहा ना मुझे, घर कोई भी नहीं है, मम्मा पापा ये लोग इन लोग के बगैर बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लग रहा, सच बात तो ये है। और अब मैं कुछ दो ड्रेसेस ढूंढ रही थी जो वानिया के पास थे, मगर वो ड्रेसेस मुझे नहीं मिले भाई। अब देखते हैं, वानिया आएगी तो ही वो ड्रेसेस मिल सकते हैं। मैंने तो बहुत ढूंढ लिया, मुझे तो नहीं मिले, ना वाइट वाला मिला ना ब्लैक वाला मिला। अब बस मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई है ही नहीं घर में। वगाज भी आके फ़ोन चला रहे हैं जब से, और जब से मैं वो ड्रेसेस ढूंढ रही थी, मगर वो जो दोनों ड्रेसेस हैं वो मुझे दोनों ही नहीं मिले, जो मुझे नहीं चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो बस चलें, अब मम्मा के घर से जा रही हूँ अपने घर पे, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज सईद अरबा लाइफस्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।